Hello, future doctors. Welcome to Dipenism. I'm Dr. Dipen Shah, and hum log discussion continue kar rahe from the topic morphology of flowering plants. And aaj ka jo discussion hai, that is insertion of floral whorls with respect to gynoecium. So, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ल्स में ये चार डायग्राम को मैंने रिप्रेजेंट किया है एंड चारों डायग्राम में दो कांस्टेंट फीचर रिप्रेजेंट किए. एक तो है गाइनोशियम, दैट इज कार्पल को रिप्रेजेंट किया है, एंड दूसरा जो रिप्रेजेंट किया है दैट इज थैलेमस, क्योंकि थैलेमस पे ही ऑल द फ्लोरल वर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड. सो थैलेमस पे फोकस करना है एज वेल एज, मतलब थैलेमस का शेप कैसा होगा एज वेल एज ओवरी का पोजिशन जो होगा दैट वी हैव टू फोकस विद रिस्पेक्ट टू दी अदर फ्लोरल वर्ल्स. सो कमिंग टू द फर्स्ट डायग्राम, जहां पे थैलेमस का जो शेप है दैट इज कॉन्वेक्स शेप्ड, एंड इस कॉन्वेक्स शेप थैलेमस पे गाइनोशियम के कंपेरिजन में जो केलिक्स का वर्ल होगा, करोला का वर्ल जो होगा एंड एंड्रोशियम का वर्ल जो होगा, मतलब सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन जो है ऑल द थ्री आर प्रेजेंट बिलो द गाइनोशियम. सो वी ऑब्जर्व गाइनोशियम का ये पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू दैट केलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम तीनों ही गाइनोशियम के नीचे है. सिंस ऑल द फ्लोरल वर्ल्स आर प्रेजेंट बिलो द गाइनोशियम, इसके लिए इस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोल लेते हैं एज द हाइपोगाइनस फ्लावर, जहां पे हाइपो का मतलब हो जाएगा बिलो. So all the floral whorls are present below the gynoecium. So that is calyx, corolla and androecium is present below gynoecium. अगर मैं बोल रहा हूँ कि हर एक फ्लोरल वर्ल का मेंबर इज बिलो gynoecium, दैट मीन्स gynoecium सबसे टॉपमोस्ट पोजिशन में है, मतलब इसका जो ओवरी है दैट इज एट द टॉपमोस्ट पोजिशन, इसके लिए ओवरी का पोजिशन बोला जाएगा सुपीरियर ओवरी. सो एंट्रेंस में यू विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी का पोजिशन क्या होगा, तो यू हैव टू रिमेंबर सुपीरियर. थैलेमस का शेप पूछा तो इट इज कॉन्वेक्स शेप्ड. दूसरे दो डायग्राम को मैंने साथ में रिप्रेजेंट किया बिकॉज यहां पे थैलेमस का शेप या तो हो सकता है एज द सॉसर शेप्ड, या फिर थैलेमस का शेप हो सकता है लाइक अ कप. सो वेन एवर थैलेमस का शेप इज सॉसर या कप शेप, तभी गाइनोशियम के कंपैरिजन में जो सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन का प्रेजेंटेशन होगा, सेम वे इस डायग्राम में सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन दे आर प्रेजेंट एट द रिम ऑफ द सॉसर और एट द रिम ऑफ द कप, मतलब दे आर प्रेजेंट एट द सर्कम्फरेंस, पेरीफरी में प्रेजेंट है. सो जब भी ओवरी ऐसा शेप का होगा, सॉरी द थैलेमस इज ऑफ द शेप लाइक अ सॉसर या कप, वहां पे ओवरी के कंपैरिजन में बाकी सब फ्लोरल वर्ल्स इज प्रेजेंट एट द पेरीफरी, एट द रिम. इसीलिए ऐसे टाइप के फ्लावर्स को हम लोग बोल लेते हैं एज द पेरीगाइनस फ्लावर. और जो भी पेरीगाइनस फ्लावर होगा, इस पेरीगाइनस फ्लावर में ओवरी का पोजिशन हम लोग बोलते हैं एज हाफ इन्फीरियर, इसको हम लोग बोल लेते हैं एज हाफ इन्फीरियर पोजिशन सीन इन पेरीगाइनस फ्लावर, जहां पे थैलेमस का कप या सॉसर शेप रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. थर्ड टाइप ऑफ फ्लावर का क्लासिफिकेशन वेर इन थैलेमस को अगर ऑब्जर्व करें तो ये ओवरी को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है. सो वेन एवर द थैलेमस इज कंप्लीटली ओवरलैपिंग, इट इज कंप्लीटली ओवरलैपिंग द ओवरी, एंड इस गाइनोशियम के कंपेरिजन में बाकी सब फ्लोरल वर्ल्स जो है दैट इज द सेपल्स, द प्रेजेंस ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन, मतलब केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम जो है वो गाइनोशियम के पोजिशन के कंपैरिजन में सब कुछ उसके ऊपर है. सो केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इज अबव द गाइनोशियम, इसीलिए इस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोल लेते हैं एज द एपीगाइनस फ्लावर. एपी का मतलब होता है अबव. सो एवरी फ्लोरल वर्ल is present above the gynoecium, and since हर एक फ्लोरल वर्ल गाइनोशियम के ऊपर है, मतलब गाइनोशियम खुद नीचे है, एंड गाइनोशियम नीचे है दैट मीन्स ओवरी जो है उसका पोजिशन हो जाएगा इन्फीरियर. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट हाइपोगाइनस में देर इज सुपीरियर ओवरी, एपीगाइनस में देर इज इन्फीरियर, एंड ओवरी पोजिशन ऑफ अ पेरीगाइनस फ्लावर इज नोन एज हाफ इन्फीरियर. इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, जहां पे सुपीरियर ओवरी के लिए सिंबल आएगा जी, मतलब गाइनोशियम, और उसके नीचे अंडरलाइन किया होगा, मतलब गाइनोशियम इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, तो ये सुपीरियर ओवरी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा विच इज नोन एज हाइपोगाइनस फ्लावर. सेम इन्फीरियर के लिए होगा गाइनोशियम के लिए जी, और उसके ऊपर ऐसा अंडरलाइन किया रहेगा, तो ये ओवरलाइन हो जाएगा, नॉट अंडरलाइन, के ओवरलाइन रिप्रेजेंट किया, मतलब गाइनोशियम इज इन्फीरियर, मतलब इट्स अ एपीगाइनस.
हाफ इंफीरियर के लिए जी एंड साइड में लाइन मेंशन किया रहेगा, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ इंफीरियर ओवरी. एंट्रेंस के लिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोग को याद रखना है, दैट इज द एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल्स के लिए आप लोग को ट्रिक याद रखना है, बीएमसी में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिलता है एंड कुकिंग गैस भी अवेलेबल है. बीएमसी में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड कुकिंग गैस अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज में एलिमिनेशन भी करने का जरूरत पड़ सकता है. बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाएंगे, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई किसका एग्जांपल हाइपो में है, पेरी में या एपी में. सो ऑल एग्जांपल्स यू नीड टू रिमेंबर, सो यूज दिस टेक्निक. बीएमसी में, बीएमसी में बी से है ब्रिंजल, एम से है मस्टर्ड, सी से है चाइना रोज एंड एम से है मैंगो. सो ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड मैंगो. प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में एग्जाम्पल है पी से प्लम, आर से रोज एंड नेक्स्ट पी से पीच. प्लम, रोज एंड पीच, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. कुकिंग गैस में सी से है क्यूकम्बर, जी से है गुआवा एंड ए से है एप्पल एंड एस से है सनफ्लावर. सनफ्लावर में भी रे फ्लोरेट्स. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस ओवरी. सो दिस वॉज इन डिटेल डिस्कशन अबाउट इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू गाइनोशियम. दैट्स ऑल, स्टे ट्यून फॉर माई फर्दर वीडियोज. थैंक यू फ्रॉम दिपेनिज्म.